नमस्कार। एक मिश्रण के सवाल में कॉमन सवाल का ही बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आपके सामने आए हैं। ये SBI मेन एग्जाम में हमें बहुत काम आएगा। दूध पानी के 1260 लीटर 67% वाले मिक्सर में कितना लीटर प्योर मिल्क मिला दे कि मिश्रण 93% का हो जाए। यानी अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि एक मिश्रण है 1260 लीटर 67% वाला, इसमें प्योर दूध शुद्ध दूध मिलाना कि मिश्रण 93% का हो जाए। ये बस छोटी सी बात है। अब इसका बहुत सुंदर फार्मूला है, ट्रिक अपन सब भूल जाए। दोनों प्रतिशत का अंतर, यहां दोनों प्रतिशत का अंतर से मतलब है कि किसी भी एक द्रव्य का प्रतिशत, तो हमें दूध का परसेंट दिया है दोनों, दूध का पुराना परसेंट 67, दूध का नया परसेंट 93, तो यहां पर ही हो जाता दोनों प्रतिशत का अंतर बटे विपरीत का नया परसेंट। देखिए अब ये विपरीत कौन, ये युवाम का शब्द है। यानी हम इसमें दूध मिलाने की क्रिया कर रहे हैं, पानी के साथ कोई हम एक्शन नहीं ले रहे मिलाने की या निकालने की, तो इसका मतलब विपरीत वह जिसके साथ हम कोई क्रिया नहीं कर रहे। विपरीत यानी वह द्रव्य जिसके साथ हम मिलाने या निकालने की क्रिया नहीं कर रहे, तो विपरीत कौन हुआ, पानी। तो दोनों प्रतिशत का अंतर बटे पानी का नया प्रतिशत गिन इंटू दी गई मात्रा। तो हमने दोनों प्रतिशत का अंतर 93 माइनस 67 अपान, हमें दूध का नया परसेंट पता है 93। अगर 100 में से 93 घटा देंगे तो पानी का परसेंट आ जाएगा, तो 100 माइनस 93 दी गई मात्रा 1260 लीटर बराबर। तो ये हमने हल किया 26/7 × 1206 लीटर। ये कटा एक बार 256 × 180 हमने गुणा कर लिया 4680 लीटर। तो ये हुआ हमारा सवाल। तो उसमें कितना शुद्ध दूध मिला दे, 4680 लीटर। तो उसमें दूध का परसेंट बढ़कर 93% हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टेट बैंक मेन एग्जाम के लिए हम ऐसे कई सवाल लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। जय युवाम।